नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं की लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से जो बुक्स है आपकी, उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला अध्याय देख रहे हैं हम लोग, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छी तरह से बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। परिचय, लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य को आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इस सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, परिभाषा की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीकों को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोर ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था, पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? लिंगदोई मैडम मैडम जवाब दे रही, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वसामान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैरी, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंगदोय मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग-अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। रिवियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्यों है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं कि हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं करना कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है।
या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी आपका यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम। मैडम क्या जवाब दे रही हैं इसका? इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। शब्द का अर्थ हमारे हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द ही ले लो, या कंप्यूटरिंग यानी कि गणना शब्द सेवा से बना है, गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर है, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्में देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय 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 बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैडम, मैरी, मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग दो मैडम, एकदम सही। इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, खुद करें, खुद सीखें। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। देखिए, एक सामान्य परिभाषा है आपकी लोकतंत्र की। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को, यानी कि जो आपके शासक होते हैं, इन्हें का चुनाव कौन करता है? लोग, यानी कि जनता। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं। पिनों से चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। इस तरह से लिख सकते हो आप लोग, जैसे कांग्रेस 1885 से चली, 1947 तक तो कांग्रेस बढ़िया थी, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू आके 62 तक रहे, 62 तब तक ठीक रही। लेकिन उसके बाद इंदिरा के समय से कांग्रेस की हालत बुरी होने लगी। और देखिए, उसमें वो राजतंत्र की तरह हो जाता है कि कोई चुनाव ना हो, समझ रहे? और इंदिरा के बाद आपके राजीव आते हैं, राजीव के बाद सोनिया आ जाती हैं, सोनिया के बाद राहुल आ जाते हैं, राहुल के बाद उनके बेटे, उनके बेटे के बाद उनके बेटे, तो ये राजतंत्र हो जाता है, ठीक है? चुनाव रोक दिए जाते, जैसे जनता का कोई भागीदारी नहीं रहने देते, तो ऐसे ही आप लोग राजतंत्र कह सकते हैं, ठीक?
आलोकतांत्रिक, जहां लोगों की भागीदारी होगी वो लोकतंत्र, और जहां लोगों की भागीदारी नहीं है, एक राज परिवार को चुन लिया जाता है, उसे आलोकतांत्रिक या राजशाही कह सकते हैं आप लोग। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक करना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषताएं जानें। रेबियांग स्कूल से घर गई, उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है कि अपने तानाशाहों का चुनाव करना और उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। डेमोक्रेसी, हमने इस साल इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? आखिर किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हम। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करार कि अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार अधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। वे इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गईं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है।
मंत्रिपरिषद के काम काज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिससे ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय व प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने की अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों को जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुनी हुई प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचे हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। सीरिया। जब तक बात पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनोगे, अंदर नहीं आ सकती। चलते हैं आगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कबांगू गो रेम मिन दाइबियाओ दाहुई, यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए इतनी 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आजाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। कहां? मैक्सिको में। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यूलेशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना कर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। पी आर
आई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह काफी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हमें इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को कोई विकल्प होते हुए भी असल में वहां जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के भी चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष उच्च स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में अध्याय 3 में और बातें करेंगे हम लोग। पता है आपको, कहा जाता है ऐसा कि जब आजाद हुआ हमारा भारत, तो कहा गया कि जो पढ़े लिखे हैं, जो कर देते हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो इस पर आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बड़ा बवाल किया कि नहीं, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, उन्हीं की बदौलत हम लोगों को सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है वोट डालने का, फिर चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों वोट डाल सकते हैं। और दूसरा कहा जाता है कि सबकी सलाह थी कि एक पार्टी हो भारत में, एक या फिर दो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत हमारे में अनेक पार्टियां हो सकती हैं। तीसरी बात कहते हैं कि जब राजतंत्र की बात उठने लगती है कांग्रेस पर, तो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने पर खुश नहीं थे, ठीक है, उन्होंने असहमति भी जताई थी। ऐसा कहते हैं, हम देखो अपना अपना है, लोग कहीं उनमें कमियां निकालते हैं, कई लोग अच्छाइयां भी निकालते हैं, ये लेकिन इतिहास में लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूं। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का मत भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का वोट एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। याद रखिए, इन्हीं पॉइंटों को आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। क्या रहता है कि यही आपकी अगर लोकतंत्र की विशेषताएं पूछता है कहीं आंसर क्वेश्चन, तो वहां आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या कार्टून देखते रहिए, या कार्टून लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र के कामकाज से संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का ही क्या मतलब है? राजनीति में थैली साहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला क्या कहना चाहता है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आखिरकार एक वोट एक व्यक्ति एक वोट। जो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था।
यह मुझे पसंद था। कौन बोल रहा है, समझ में आ रहा है? ये घर में बैठे हुए बात करते हैं कानून का राज और अधिकारियों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जनू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों की में वृद्धि की और उनकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे, उसको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार की कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती है कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियां का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के लिए के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ये आपकी लोकतंत्र की चौथी विशेषता हो गई, ठीक है। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है, और नोट कर लीजिए। बात करते हैं परिभाषाओं का सारांश। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के तरीके एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा
चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को भी बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। भूटान उदाहरण है। भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से भी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात से सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। अब चलते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र ही क्यों आखिर। मैडम लिंग दो है, इसमें दो लोकतंत्र क्या है, फिर दूसरा लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंग दोई की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा क्या उन्हें लोकतंत्र थी शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? तांग कीनी। लेकिन लिंग दो है, मैडम ने जो तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं? यानी हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया? आधी सदी से जाना समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिबियान, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? यानी जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है कि अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसा नेता ही जिसे चुनाव की संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी है वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूर नेता की बात कर रही हूँ। दोई, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती।
और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंग दोए इस चर्चा की पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी जा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ बेअधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहां नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाइयां महत्वपूर्ण खर्चीली होती हैं, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता है? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हमें लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है। वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के बीच के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल पड़ा। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारें सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली
विशेषताओं में से एक को बहुत ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान भी दे भी सकती है और नहीं। और यह सरकार सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करना एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं। चर्चा करके फैसले होते हैं और बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियां की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने की अपने लाभ भी है। इससे ज्यादा ओग या फिर गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देशों में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग, जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को ये सब अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनकी पसंद में भी अंतर। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा, कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तरह लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तरह उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का, लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर को पढ़े लिखे लोगों को। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिर तक यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या
तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो चले अब इस चर्चा को समेटें हम लोग, ये सभी हम लोगों ने जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखे। हमें सब चीज नहीं दे सकता लोकतंत्र, हमें सब कुछ नहीं दे सकता, ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज्यादा संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। इन कार्टूनों को देख लीजिए, हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम और अब और सहन नहीं करेंगे, ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया, हमारा धन हड़प लिया है। 28 जून को होने वाला चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, इसमें बताया गया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ी, यानी कि लड़ाई नहीं छिड़ी। लड़ाई तभी होती जब हम कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। पर लिखने पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि लोग यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ सहयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता, लोकतंत्र में जिस तरह के से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध करने का अंदेशा काफी कम हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र का बेहतर अर्थ देखते हैं। आपको चैप्टर वाइज इसीलिए बोलता हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते रहना, ठीक है, एक एक चैप्टर करके। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले देने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठा कर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। देख लीजिए, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन पर गौर कीजिए, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में विचारों का भी उतना ही महत्व होता है
जितने मेरे पिता जी का। मुझे भी शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उनके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उसे उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक सरकारों को शासन को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तो स्थिति आपकी पता है। मुझे लगता है गरीबों पर हमेशा गरीब बने रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा एक समय हमारे ऊपर राजा महाराजा राज करते थे, गरीबों की तभी भी यही घिसी पिटी स्थिति थी, पर उसके बाद कई पार्टी कई प्रधानमंत्री आए हमारे यहाँ, लेकिन आज भी वही स्थिति है गरीबों की। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने की समान भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए वोट के समान अधिकार पर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श प्रमाणों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या फिर काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज्यादा बातें नहीं की, हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बात जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना है। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरह की भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इस तरह का काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त है, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सही सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बनाए रखने और मजबूत करने की करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं
वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यह चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या फिर एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में भी मैं सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, तो इन्हें आप लोग देख लेना, आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिले मिला होगा जो आप ना समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत कहानी का रूप देकर, बहुत आपको समझाने के लिए बहुत कहानी गढ़ी हुई है अच्छी, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। आपने देखा होगा कि किस तरह से वार्तालाप करते हुए आपको सभी पक्षों को दिखाया जा रहा है। PDF आपकी इसकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना। तो ये था आपका फर्स्ट अध्याय, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। अध्याय दो में हम लोग बात करेंगे संविधान के निर्माण, संविधान का निर्माण करेंगे हम।